discuss the second difference, that is ट्रांसफर इनकम एंड फैक्टर इनकम. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि एनएनपीएफसी एक्चुअली इज कॉल्ड नेशनल इनकम. सो व्हाट इज एनएनपीएफसी? इट इज द फैक्टर इनकम अर्न इन द डोमेस्टिक एज वेल एज नेशनल टेरिटरी ऑफ द कंट्री, रिसीव्ड इनकम विद इन द फैक्टर इम्प्लॉयड इन द कंट्री और द फैक्टर इम्प्लॉयड आउटसाइड द कंट्री इज कॉल्ड नेशनल इनकम. तो जो नेशनल इनकम का कंसेप्ट है उसमें जो हमारा मेन फोकस है वो क्या है? फैक्टर इनकम. क्या है? फैक्टर इनकम. तो फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में बेसिक डिफरेंस क्या है? फैक्टर इनकम क्या होती है? इट इज अ रिसीव्ड इनकम विच इज अर्न. अर्न मीन्स व्हेन फैक्टर इज रेंडरिंग हिज सर्विसेज टू अदर पीपल, टू अदर इंस्टीट्यूशन, दैट एट दैट अगेंस्ट ऑफ दैट ही इज रिसीविंग इनकम. इट मीन्स हम जब कोई काम करते हैं उसके बदले जब हमें पैसा मिलता है, मनी मिलता है, इनकम अर्न होती है, तो उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम. क्योंकि उसके पीछे हमारी लेबर लगी, हमारे एफर्ट्स लगे, हमारे पोटेंशियल यूज हुए. तो अपने एफर्ट्स पोटेंशियल के अगेंस्ट जो आप अर्न कर रहे हो, अर्निंग, एक बात ध्यान रखनी हमें बहुत, अर्निंग जिस कंसेप्ट के पीछे अर्निंग आ रही है यानी कुछ दे करके मिल रहा है उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम. लाइक कैसे? लैंड यूज होती है तभी रेंट मिलता है, लेबर काम करती है तभी सैलरी मिलती है, कैपिटल हम बोरो करते हैं कुछ प्रोडक्शन के लिए तो इसलिए हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है. सेम एंटरप्रेन्योर, वो कुछ काम करेगा तभी तो प्रॉफिट मिलेगा. तो इस तरह से अर्निंग है. बट ट्रांसफर इनकम क्या है? ट्रांसफर इनकम हैज नो टू साइड एक्सचेंज. इन फैक्टर इनकम वी हैव टू साइड एक्सचेंज, वन इज रेंडरिंग सर्विसेज एंड रिसीविंग इनकम. बट ट्रांसफर इनकम में क्या है? ट्रांसफर मीन्स देयर इज नो एनी काइंड ऑफ फैक्टर रेंडरिंग सर्विसेज. नी फैक्टर किसी तरह की सर्विसेज यहां पर नहीं देगा फिर भी इनकम मिलेगी. क्या हो सकता है सोचो, थोड़ा सा जोर डालो अपने दिमाग पे. ऐसा क्या हो सकता है जिस काम के काम किए बिना ही पैसा मिल जाए? राइट, यू आर वेरी राइट, दैट इज गिफ्ट. कैश प्राइजेस we are receiving without putting any services, without doing any work, we are getting some profits, like in the sense lottery system gifts hue. Aur jab hum economy level pe baat kare to pension, right? To old age pension jo di jati hai government ke through logo ko, wo bilkul one side payment hota hai. Kyunki old age, old age ka kya matlab hai? Person become unproductive, yani wo person to kaam nahi karega lekin fir bhi usko income मिलेगी. राइट, तो उस पॉइंट को हमने कैसे कंसिडर किया? ट्रांसफर इनकम. सेम होता है स्कॉलरशिप. स्कॉलरशिप गवर्नमेंट देती है, किन स्टूडेंट्स को देती है? जो बहुत ब्रिलियंट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, जो एफर्ट्स लगाते हैं, काम पढ़ाई करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को पता है कि वो हमारे लिए भी कुछ नहीं करेंगे, दे आर जस्ट स्टूडेंट. स्कॉलरशिप इज ऑल्सो कॉल्ड वन साइडेड पेमेंट, क्योंकि उसके बदले गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलेगा. दिस इज जस्ट अ पेमेंट, दिस इज जस्ट अ इनकम रिसीव टू अ पर्सन विदाउट रेंडरिंग हिज और हर सर्विसेज. सेम वी हैव रेमिटेंसेज. फॉरन में कोई हमारा फ्रेंड रहता है, फॉरन में हमारे कोई रिलेटिव रहते हैं. आप लोगों के रहते हैं कि नहीं? सभी के रहते हैं, कोई ना कोई तो रहता ही होगा. तो अगर वो वहां से हमें मनी भेज रहा है या हमें किसी भी तरह का गिफ्ट भेज रहा है तो उसके बदले हमने तो कुछ नहीं दिया, बट वी आर रिसीविंग सम इनकम. सो दिस कंसेप्ट कंसिडर एज ट्रांसफर इनकम, क्योंकि इसमें हमें कोई भी तरह की सर्विसेज रेंडर नहीं करनी पड़ेगी. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर इनकम एंड फैक्टर इनकम. फैक्टर इनकम इज अर्न्ड कंसेप्ट, अर्निंग कंसेप्ट, एंड ट्रांसफर इनकम इज रिसीव्ड कंसेप्ट. राइट, फैक्टर इनकम इज डन वाइल रेंडरिंग आर सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट. वाइल ट्रांसफर इनकम इज यूनिलेटरल पेमेंट विच आर डन फॉर वन साइडेड एंड दैट इज कॉल्ड पेंशन, ओल्ड एज पेंशन स्पेशली, स्कॉलरशिप एंड रेमिटेंसेज रिसीव फ्रॉम अदर नेशन और वॉट वी आर गिविंग टू अदर पीपल, दोज वर लिविंग इन अदर नेशन. तो इस तरह से जो कंसेप्ट है वो हमारे ट्रांसफर और फैक्टर इनकम को क्लियर करता है. अब हम आते हैं अपने थर्ड कंसेप्ट पे, डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम. डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का एक ही पैरामीटर है डिफरेंस करने का, वो है एनडीपी एफसी
एंड NNPFC. अब इन दोनों को अगर हम डिफरेंस में लेके जाएं तो हमें क्या मिलेगा, इसको थोड़ा सा चेंज करती हूं मैं, NNPFC माइनस NDPFC, व्हाट वी विल गेट, NFIA. NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में समझाई थी. NFIA होता है फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. अब ये क्या होता है, मैंने दैट टाइम भी समझाया था, कुछ एम्बेसीज यहाँ काम कर रही हैं, कुछ फर्म्स यहाँ काम कर रही हैं फॉरेन की, वो यहाँ प्रोडक्शन करेंगी, इनकम रिसीव करेंगी, सब कुछ यहाँ करेंगी, प्रोडक्शन यही होगा, लेकिन जो इनकम रिसीव करेंगी वो बाहर जाती है, तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड होगी. और सपोज हाँ, जैसे हमारी SBI बैंक बाहर काम कर रही है, प्रोडक्शन तो वहां कर रही है, तो प्रोडक्शन तो वहीं काउंट हुआ, लेकिन उन्होंने जो इनकम अर्न करी वो कहाँ आएगी, हमारी कंट्री में. यानी जो प्रॉफिट अर्न होगा वो प्रॉफिट कहाँ आएगा, हमारी कंट्री में. यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इन दोनों का बैलेंस बिकम NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. तो नेशनल इनकम में जब हम काउंट कर रहे हैं तो हम कौन कौन से फैक्टर की इनकम को काउंट कर रहे हैं, फैक्टर्स दोज हु आर अर्निंग इन आर कंट्री एज वेल एज फ्रॉम अदर कंट्री. सो फैक्टर इनकम रिसीव विद इन द कंट्री एंड रिसीव फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री ऑल्सो कंसिडर एज नेशनल इनकम, राइट. एंड डोमेस्टिक इनकम लाइक NDPFC, डोमेस्टिक इनकम किसको कहते हैं हम, NDPFC डोमेस्टिक. डोमेस्टिक मैंने अभी बताया, डोमेस्टिक टेरिटरी. डोमेस्टिक टेरिटरी क्या कहती है, जो भी प्रोडक्शन हुआ विद द फैक्टर्स ऑफ आर कंट्री और फ्रॉम द फैक्टर्स ऑफ डिफरेंट कंट्री. कोई भी अदर कंट्री के लोग अगर यहाँ आगे प्रोडक्शन कर रहे हैं या हमारे फैक्टर्स भी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो दोनों इसमें काउंट होते हैं और यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्शन को हम लेते हैं. बट इसमें किसी भी तरह से NFIA इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अदर कंट्री काउंट नहीं होगी, क्योंकि वो बाहर से आ रहा है. बाहर से आते ही हम डील करने लगते हैं नेशनल फोरम पर. और जब हम डोमेस्टिक की बात करते हैं, डोमेस्टिक मीन्स विद इन द कंट्री जो हुआ है, हमारी कंट्री के अंदर जो भी कुछ हुआ है, सिर्फ हम जो भी फैक्टर्स ने इनकम रिसीव की है हमारी कंट्री के अंदर, सिर्फ हम उसी को काउंट करें, राइट. तो ये डिफरेंस क्लियर हुआ. और डिटेल के लिए मेरे नोट्स को फॉलो करिए तो और क्लियर होगा. नहीं समझ में आए तो वापस मुझसे पूछिएगा, कमेंट करिएगा, आई विल रिप्लाई ऑन दैट. तो यू जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट ऑल्सो इन माई इनबॉक्स सो दैट आई कैन इजिली रिप्लाई टू यू. नेक्स्ट इज कंसेप्ट इज नॉर्मल रेजिडेंट. अब हमारे अपने फोर्थ कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो GDP की डेफिनेशन थी, मैं फिर से बताती हूँ. GDP डेफिनेशन, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी बाय नॉर्मल रेजिडेंट, बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री. तो नॉर्मल रेजिडेंट कौन, नॉर्मल रेजिडेंट इज अ पर्सन हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज विद इन द कंट्री. इट मीन्स हुज बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कंजम्पशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, वो तीनों ही एक्टिविटीज सिर्फ खुद की कंट्री के लिए हैं. यानी अगर वो बाहर चला भी जाता है, सपोज इन केस यू गॉट अ चांस टू गो आउटसाइड टू अर्न, इफ यू आर लिविंग देयर फॉर विद इन ईयर यू आर रिटर्निंग टू द कंट्री. अगर आप एक साल में ही वापस आ जाते हो, एक साल या सपोज एक साल भी नहीं हुआ, 9 महीने 10 महीने में आप वहां पे ट्रेनिंग लेके या वहां पे अर्निंग करके थोड़ी बहुत वापस आ जाते हो, तो आप क्या कहलाओगे, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया. बट दोज हु आर नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, वो भी हमारे यहाँ काम करते हैं, तो वो जो काम कर रहे हैं उनको हम अपनी कंट्री में एज कैसे ट्रीट करेंगे, एज अ NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन, क्योंकि वो कुछ समय के लिए हमारे आए हैं, उनकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री के लिए नहीं है. वो जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो तो हम काउंट करेंगे, वो जो भी सर्विसेज दे रहे हैं वो हम काउंट करेंगे, बट अल्टीमेटली वो पर्सन हमारी कंट्री का नहीं है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएगा, वो अल्टीमेटली बाहर जाएगा, राइट. बट उसका प्रोडक्शन हमारे यहाँ काउंट होगा. तो प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेजिडेंट को हम कंसिडर करते हैं. तो नॉर्मल रेजिडेंट जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट सिर्फ हमारी कंट्री में लाइव हो. एक बार ढंग से इस चार्ट को देखो, फिर मैं नॉर्मल रेजिडेंट को और अच्छे समझाती हूँ. सो
normal resident is a person whose economic interests lie within the country. अब इसको मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल में और समझाती हूँ. सपोज आप बाहर गए हैं, फॉरन घूमने गए हैं. आप फॉरन घूमने गए, घूमकर वापस कहाँ आओगे? अपने देश. तो हम क्या है? नॉर्मल रेजिडेंट. इसी तरह फॉरेन टूरिस्ट यहाँ आते हैं. हम देखते हैं ना, हमारे जोधपुर में भी कितने फॉरेन टूरिस्ट आते हैं. तो फॉरेन टूरिस्ट जब आते हैं यहाँ पर, लेकिन वो यहाँ से वापस चले जाएंगे, वो यहाँ रहने थोड़ी ना आते हैं. तो वो थोड़े टाइम पीरियड के लिए आए, वो तो यहाँ सिर्फ एक अपना एंटरटेनमेंट करने आए, एंजॉयमेंट करने आए हैं, फिर वापस जाएंगे. तो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे लिए नहीं है, वो कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा. सेम अगर हम एज अ पेशेंट कहीं अपने ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाते हैं, तब भी हम नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया ही कहलाएंगे, क्योंकि हम ट्रीटमेंट के बाद वहां रहने नहीं जा रहे हैं, हम वापस ही आएंगे. राइट. सेम अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट, फॉरेन पेशेंट यहां आता है, तो उसको भी हम ऐसे ही ट्रीट करते हैं. अब एक और एग्जांपल लेते हैं. लाइक कोई फॉरेन एम्बेसी हमारे यहाँ काम कर रही है, उस फॉरेन एम्बेसी में कुछ इंडियन वर्कर काम कर रहे हैं और कुछ फॉरेन वर्कर काम कर रहे हैं, है ना. तो फॉरेन वर्कर जो है वो नॉन रेजिडेंट है, वो हमारे लिए नहीं काम कर रहे, वो अपनी एम्बेसी के लिए काम कर रहे. सिंपल से बता दी, चाइना का एक सेटअप यहाँ पर है, चाइना के ऑफिसर्स यहाँ पे काम कर रहे, तो वो किसके लिए काम कर रहे? चाइना के लिए, हमारे लिए नहीं. वो चाइना एम्बेसी के लिए काम कर रहे. लेकिन कोई इंडियन अगर उस चाइनीज एम्बेसी में काम कर रहा है, तो वो किसके लिए कर रहा है? इंडिया के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए. तो अपना इंटरेस्ट उसका जो लग रहा है, जहां वो अल्टीमेटली अपने इकोनॉमी को कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, तो उसके इंटरेस्ट को हम यहाँ काउंट करेंगे. बट चाइनीज ऑफिसर के इंटरेस्ट को हम काउंट नहीं करते. तो ये होता है नॉर्मल रेजिडेंट. अभी क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा तुम्हारे कि फिर सिटीजन क्या होता है? सिटीजनशिप क्या होती है? अगर हम बात करें सिटीजन की, तो सिटीजन इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल रेजिडेंट. सिटीजन क्या होता है कि वो एक लीगल फॉर्मेलिटी है. सिटीजन को बनने के लिए या तो हम उस पर्टिकुलर जगह से हमने जन्म लिया है, या कोई लॉ एंड ऑर्डर, कोई प्रोविजन के थ्रू हमने वहां की सिटीजनशिप ली है. और वो तब मिलती है जब हम एक साल दो साल से ऊपर किसी जगह पे रह जाते हैं. अगर हम एक साल से पहले ही वापस आ गए, किसी दूसरी जगह से इंडिया वापस आ गए, तो हम नॉर्मल रेजिडेंट हैं. बट अगर हम बाहर रह गए और हमने वहां की सिटीजनशिप ले ली, तो फिर हम कैसे ट्रीट किए जाएंगे? NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन. आई बात समझ में? तो सिटीजनशिप इस लीगल प्रोविजन है, उसको लिए आप तो या पर्टिकुलर जगह से जन्म लेते हैं, या आप उसी प्रोविजन के थ्रू वहां की सिटीजनशिप ले रहे हैं. लेकिन नॉर्मल रेजिडेंट सिंपली इकोनॉमिक टर्म है, जिस कंट्री के लिए, जिस एरिया के लिए आप अपनी डेली लाइफ की सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, आप वहीं के रेजिडेंट कहलाएंगे. समझ में आया ये बात? ऑलराइट. अब इसी कंसेप्ट के साथ एक कंसेप्ट और है, दैट इज डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाई थी. इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. क्यों फिक्स्ड कैपिटल? क्योंकि जो भी फिक्स्ड एसेट एक प्लांट एक कैपिटल गुड के रूप में अपने अपनी प्लांट बाउंड्री में यूज कर रहा है, तो उस फिक्स्ड मशीनरी, फिक्स्ड टूल पे होने वाले खर्चे क्या है? डेप्रिसिएशन. क्योंकि ऐसा तो है नहीं कोई चीज जैसी आई हो वैसी रहती है. हम कुछ भी खरीदते हैं, कोई भी सामान अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, वो टाइम एक्सपेंडिचर के साथ, टाइम स्पान के साथ धीरे धीरे खराब होने लगती है. हर चीज की वैल्यू डाउन होती है. तो इन सेम वे वी आर हैविंग डेप्रिसिएशन. ये तीन तरह से होती है, नॉर्मल वियर एंड टियर, ऑब्सोलेंसेस एंड टाइम स्पान पीरियड या टाइम पैसेज. जितना लंबा समय होता जाएगा, इसकी वैल्यू उतनी डाउन होती जाती है. होता है ना, मार्केट में हम कुछ खरीदने जाते हैं तो पूछा, अच्छा तुमने कार खरीदी, एक नई कार की वैल्यू एक पुरानी कार की वैल्यू में डिफरेंस होता है. एक नई कार 10 लाख की आती है, एक पुरानी कार 5 लाख की आती है. क्यों? क्योंकि पुरानी कार कभी ना कभी किसी लंबे टाइम तक चली हुई है, यूज हुई है, यानी वो सेकेंड हैंड. सेकेंड हैंड का क्या मतलब? वो डेप्रिशिएट है. उसकी वैल्यू जो नई में थी उससे तो कम हो चुकी, क्योंकि वो कई बार यूज हो गई. तो यूज होते होते चीजों की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है. तो दिस इज डेप्रिसिएशन. अब आता है एक और टर्म, दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. इसको हमें और सीखना है, उसके बाद ही हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा, फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे. यहां तक समझ में आया होगा? वेरी गुड. तो अब हम इन्वेस्टमेंट पे चलते हैं. व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट इज एक्चुअली Investment is actually is called capital formation. क्या बोलेंगे investment को हम? Capital formation. अब मुझे आप एक simple सी बात बताओ,
जब आप घर में कोई भी इनकम आती है, आपके पेरेंट्स इनकम अर्न करते हैं, तो खर्च कर दिया घर के कामों के लिए, यहाँ खर्च कर दिया, वहां खर्च कर दिया। कुछ LIC भी करते हैं, कुछ बैंक में जमा करते हैं, कुछ लोग म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं, शेयर मार्केट में लगाते हैं, कुछ लोग गोल्ड में लगाते हैं, कुछ लोग कुछ खरीदने में, मकान खरीदने में लगाते हैं। तो ये क्या चीज है, ये किस तरह की चीज है? इससे आपको अपना लॉन्ग टर्म प्रॉफिट दिख रहा है कि आज मेरे पास एक्स्ट्रा मनी है तो मैं यहां लगा दूं तो फ्यूचर में मुझसे इसको मुझे इससे रिटर्न मिलेगा। ये आ रहा है ना दिमाग में, इसी मोटिव से हम लगाते हैं, राइट? तो इसी मोटिव के साथ जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनकम से इनकम जनरेट हो रही है। क्या हो रही है? इनकम से इनकम जनरेट हो रही है, यानी कैपिटल से कैपिटल फॉर्म होगा। जो पैसा आपने लगाया उससे आपको इनकम और मिलेगी, इसलिए इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन। किसको? इन्वेस्टमेंट को। इन्वेस्टमेंट को हमने क्या बोला? कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि क्या हो रहा है, इनकम से इनकम जनरेट हो रही है, इसलिए इसको हमने टर्म को नाम दिया कैपिटल फॉर्मेशन। तो इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन एक ही चीज है। अब जो इन्वेस्टमेंट है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक होता है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। मैंने नीचे भी लिखा हुआ है वैसे तो, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज डिस्कसिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, यानी कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन एक्चुअली दो तरह के होते हैं, एक होता है फिक्स इन्वेस्टमेंट और एक होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जिसको हम एक और तरह से बोलते हैं चेंज इन स्टॉक। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री में बेसिकली क्या डिफरेंस है? फिक्स इन्वेस्टमेंट इज एक्चुअली एन इन्वेस्टमेंट मेड ऑन परचेज ऑफ प्लांट मशीनरी और एनी काइंड ऑफ टूल विच आर हेल्पफुल फॉर फर्दर प्रोडक्शन। यानी इस तरह के गुड्स में लगाया गया पैसा जिससे हमें आगे और इनकम जनरेट होगी। लाइक आप मशीन खरीदते हो, कोई प्लांट बनाते हो, कोई टूल खरीदते हो, तो वो आपके प्रोडक्शन में आपकी हेल्प करेगा और आपके प्रोडक्शन को फास्टर कर देगा। तो उसकी हेल्प से आपको और ज्यादा इनकम मिलेगी। जो आप मैनुअल वर्क से कर रहे थे उससे इनकम कम आ रही थी, लेकिन मशीन टूल्स और इक्विपमेंट यूज करने से, टेक्नोलॉजी यूज करने से आपकी इनकम डबल हो जाती है। तो फायदा हुआ ना आपको। तो ऐसे एसेट में पैसा लगाने से जिससे आपका प्रोडक्शन बढ़ जाए या आपको डबल इनकम अर्न होनी शुरू हो जाए, उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट मेड ऑन इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट। क्या बोलेंगे बेसिक डिफरेंस? इन्वेस्टमेंट मेड ऑन इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट। इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट मीन्स प्लांट मशीनरी टूल इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी। इन पे लगाया गया पैसा जो आपको इनकम जनरेट करने में हेल्प करेगा, उसके स्टॉक को बढ़ाना यानी और मशीन खरीदना और प्लांट खरीदना, इससे आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। इसमें आपने एक बार पैसा लगा दिया तो आपको बार बार नहीं लगाना पड़ता, और इसमें होने वाले डेप्रिसिएशन, नॉर्मल वियर टियर, आ गया वापस वही कंसेप्ट। तो इन्हीं तरह के स्टॉक पर, इन्हीं तरह के प्रोजेक्ट्स पर होने वाले वियर टियर लॉस, होने वाले खर्चे, मेंटेनेंस चार्जेस, क्योंकि मशीन एक बार खरीद ली, फिक्स इन्वेस्टमेंट तो हो गया, बट वो चलते रहने के लिए मेंटेनेंस मांगती है। कार खरीद तो ली एक बार, पर उसको भी चलाए रखने के लिए मेंटेनेंस रखनी पड़ती। तो मेंटेनेंस पे होने वाले खर्चे, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट इज कॉल्ड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, राइट? तो सॉरी, मेंटेनेंस पे होने वाले खर्चों को हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन, राइट? एंड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो जो हम प्लांट मशीनरी और खरीदते जा रहे हैं और खरीद रहे हैं, वो सब क्या है? एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। इसको करने के बाद हमें वापस करने की बार बार जरूरत नहीं पड़ती, एक बहुत लंबे समय के बाद हमें जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसी चीजों पे खर्च करके हमें फायदा होता है, और इन्हीं पे ही मेंटेनेंस चार्जेस जो लग जाते हैं उनको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब क्लियर हो गई बात, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इस तरह के एग्जांपल क्या है? परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, समझ में आ गई। अब है नेक्स्ट टर्म, दैट इज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होता है? जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं पूरे साल में, उसमें कई तरह के स्टॉक हो जाते हैं। एक जो हम अपने अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं उस टाइम पे जो स्टॉक है हमारे पास, और जब हमने अपना फाइनेंशियल ईयर शुरू किया उस टाइम हमारे पास क्या स्टॉक था, राइट? तो इन दोनों का डिफरेंस, इसलिए हमने इसको क्या कहा? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्या टर्म है ये?
क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. इसका एक और नाम है चेंज इन स्टॉक. चेंज इन स्टॉक यानी कि एट द एंड ऑफ द एट द क्लोजर टाइम ऑफ द अकाउंट वॉट एवर स्टॉक इज रिमेन्ड विद अस. जब हम अपना अकाउंट क्लोज करते हैं 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर में 31 मार्च ही अकाउंट क्लोजिंग टाइम है राइट. तो जब हम अपना अकाउंट क्लोज करते हैं उस टाइम जो हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है वो, और जब हमने अपना फाइनेंशियल ईयर शुरू किया प्रीवियस ईयर में वो कब होता है 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर, उस टाइम पे हमारे पास क्या स्टॉक था. तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को, ये बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ मैं, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट राइट. तो इट इज अ डिफरेंस बिटवीन एंडिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक. साल के एंड में क्या है स्टॉक और साल की शुरुआत में जो स्टॉक है उन दोनों के डिफरेंस को हम बोलते हैं चेंज इन स्टॉक और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट. ये क्या, ये किन किन चीजों पे हो सकते हैं, इनके एग्जांपल क्या है, कैसे पता चलेगा कि ये इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट हो रहा है. तो इनके एग्जांपल क्या है, फिनिश्ड गुड्स. फिनिश्ड गुड्स मीन्स इन्वेस्टमेंट, फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्शन हुआ है उसको हम बोलते हैं फिनिश गुड. सेमी फिनिश गुड, जो गुड्स पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाए मार्केट में सेल करने के लिए या अभी भी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में है या अभी भी हमारे पास रिमेन है या पड़ी हुई है या बिकी नहीं है, जो भी इशू हो सकता है, तो वो सब क्या है, सेमी फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल. क्योंकि कोई भी प्रोडक्शन करता है हमें हर तरह के प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए होता है, रॉ मटेरियल. तो रॉ मटेरियल इज ऑल्सो काउंटेड एज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. अब क्यों, क्योंकि रॉ मटेरियल पे इन्वेस्टमेंट, पैसा खर्च करना प्लान तो होता है, बट अगर बीच में आपको प्रोडक्शन अचानक से बढ़ाना पड़े या बीच में आपको और इसको हाई करना पड़े या लो करना पड़े, कोई भी सिचुएशन आए, एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन मार्केट राइट. तो मार्केट में जिस तरह की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग अगर हमें इसको मैच करना है तो हमें रॉ मटेरियल पे खर्चे बढ़ाने और घटाने भी पड़ते हैं. इट कैन बी इंक्रीज और इट कैन बी डिक्रीज. सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इस तरह के इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं होते, फिक्स्ड नहीं होते, ये चेंज होते रहते हैं. इसलिए इसका दूसरा नाम हमने क्या रखा, चेंज इन स्टॉक. इसका कोई भरोसा नहीं, हो सकता है आपने रॉ मटेरियल प्लानिंग के अकॉर्डिंग ज्यादा मंगा लिया बट एट द एंड वो यूज नहीं हुआ तो रिमेन रह गया ना हमारे पास, सेमी फिनिश में रह गया, फिनिश में रह गया या रॉ फॉर्म में रह गया, उसका हम यूज नहीं कर पाए. तो इस तरह की गुड्स को हम यहाँ पर यूज कर. तो इतनी बात समझ में आई, ये है फिक्स इन्वेस्टमेंट और ये है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. अब इन्वेस्टमेंट को हम एक तरीके से और लिखते हैं, आपके कंसेप्ट में आएगा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. क्या बोलेंगे, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. तो बहुत सिंपल सी बात है, ग्रॉस यानी डेप्रिसिएशन वाले इंक्लूड हो गए राइट. तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल जो कंपोनेंट है वो कई बार आने वाला है हमारे आगे की कैलकुलेशन में, तो हमें ध्यान रखना है. तो ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एक ही बात है. अगर मैं इसको शॉर्ट में कर दूं, मैं फिक्स हटा दूं यहां से हटा दूं, तो सिंपल सा टर्म बन जाता है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट राइट. तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन से नेट इन्वेस्टमेंट तक आने में क्या डिफरेंस होगा, आप खुद सोचो. नहीं आया ना समझ में, चलो कोई बात नहीं मैं समझाती हूँ. इन्वेस्टमेंट दो और तरह के होते हैं. पहला तरीका मैंने बताया फिक्स्ड और इन्वेंटरी. फिक्स्ड यानी जो फिक्स्ड एसेट पे हम खर्च कर रहे हैं वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और जो सेमी फिनिश्ड फिनिश्ड और रॉ मटेरियल गुड्स पे हम खर्च कर रहे हैं वो सब इन्वेंटरी यानी चेंज इन स्टॉक. अब इन्वेस्टमेंट दो तरीके से और कैलकुलेट होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट. अगर हमें जीडीपी एमपी कैलकुलेट करना है तो कौन सा कंसेप्ट यूज होगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. अगर हमें एनएनपीएफसी यूज करना है तो कौन सा कंसेप्ट यूज होगा, नेट इन्वेस्टमेंट. तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है, जब हम नेट के रिलेटेड एग्रीगेट्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड होगा. इसका मतलब व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग एनी काइंड ऑफ नेट एग्रीगेट्स, नेट रिलेटेड एग्रीगेट्स, इट विल एक्सक्लूड डेप्रिसिएशन. उसमें एक फिक्स्ड कैपिटल का कंजम्पशन ऐड नहीं होगा. और जब हम ग्रॉस के रिलेटेड एग्रीगेट्स को यूज कर रहे हैं
ग्रॉस के एग्रीगेट्स को यूज कर रहे हैं, GDPMP, GNPMP, GDPFC, GNPFC, उन सभी में डेप्रिसिएशन होगा। आ रही है बात समझ में? तो ग्रॉस और नेट का डिफरेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? राइट, किस पे? डेप्रिसिएशन। ग्रॉस माइनस नेट इक्वल्स टू डेप्रिसिएशन। मैं यहां लिख देती हूं, आप एक बार इसको लिख लेना, ग्रॉस माइनस नेट इक्वल्स टू डेप्रिसिएशन। राइट, तो ग्रॉस माइनस नेट इक्वल्स टू डेप्रिसिएशन। और मैंने यहां लिखा भी है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इंक्लूड डेप्रिसिएशन, नेट इन्वेस्टमेंट एक्सक्लूड डेप्रिसिएशन। तो अगर मुझे सपोज GDPMP से NDPMP बनाना है, तो सिंपल सा टर्म क्या आएगा? मेरा ध्यान देने वाली बात है, MPMP सेम, डोमेस्टिक सेम, क्या डिफरेंस आ रहा है? जी और एन का, सिर्फ मुझे जी से एन पे जाना है, तो मैं क्या करूंगी? प्लस डेप्रिसिएशन। क्यों प्लस किया मैंने? बहुत सिंपल सी बात है, पहले भी समझाया था, इंक्लूड डेप्रिसिएशन ग्रॉस, एक्सक्लूड डेप्रिसिएशन नेट। तो जब ग्रॉस में कैलकुलेट करने जा रही हूँ, नेट से ग्रॉस पे आ रही हूँ, तो मुझे डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा। और अगर यही टर्म उल्टा होता, सपोज मुझे करना होता NDPMP और किससे करना होता? GDPMP से, तो मैं क्या करती? मुझे ग्रॉस से नेट पर आना, तो सिंपल सी बात है, क्या करूंगी मैं? माइनस डेप्रिसिएशन। राइट, सो माय डियर स्टूडेंट, समझ में आया इतना आज का कंसेप्ट? ये बेसिक कंसेप्ट और जरूरी थे हमें समझने, अब ये कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे तो हम कैलकुलेशन और आसानी से कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको फिर मिलती हूँ, जिसमें हम अपने नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो नाउ स्टे होम, स्टे सेफ, स्पेशली टू माई बॉयज, दोज हु कैन नॉट सिट एट वन प्लेस। तो स्टे होम, स्टे सेफ एंड be healthy, right? So we'll meet in our next video. Bye bye.